को लड़की को जाके घेरे। इसलिए मैं एसपी साहब के पास दोबारा आई हूँ, क्योंकि ना मुझे और मेरे पति को मेरे घर वालों से जान का खतरा है, और उनके जो दोस्त हैं उनको भी जान का खतरा है। मैंने मेरा नाम वर्षा कुमारी है। मैंने 15 मार्च को आर्य समाज से राकेश भोगावशी शादी करी थी, और 5 अप्रैल को मैं एसपी साहब के पेश भी हुई थी मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरे घर वाले खतरनाक है और हमें जान की भी वो डर है थोड़ा, इसलिए हम एसपी साहब के पास आए थे। मगर हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली है। कल या परसों से इनके जो सिस्टर है धर्म की और एक दोस्त है, उनको मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको कह रहे तुमको घर से उठा लेंगे हम, खटी के ये है वो के ऐसे तैसा उनको लड़की को जाके घेरे। इसलिए मैं एसपी साहब के पास दोबारा आई हूँ, क्योंकि ना मुझे और मेरे पति को मेरे घर वालों से जान का खतरा है, और उनके जो दोस्त हैं उनको भी जान का खतरा है। मैं इनको 2.5 साल से जानती हूँ। हम किसी के जन्मदिन किसी में गए थे, वहाँ हमारी दोस्ती हुई थी। ये सांसी बस्ती भगवानगंज रहते हैं, मैं भी सांसी बस्ती भगवानगंज रहती हूँ। ये सांसी समाज से, मैं खटीक समाज से हूँ। मेरा नाम वर्षा कुमारी है, मेरे पति का नाम राकेश भोगावत है जी। मुझे इनके इनके घर वालों से जान का खतरा है। ये मेरी वाइफ है वर्षा कुमारी, तो मुझे इनके घर वालों से जान का खतरा है, तो मैं एसबी के पास जल्दी आया था कि मुझे सुरक्षा मिले। कब गई थी आपके साथ? मैंने 15 मार्च को आर्य समाज से शादी करी थी वर्षा कुमारी से। परिवार एग्री नहीं है? परिवार वाले दोनों है, अपन मेरे घर वाले राजी नहीं है, ना इसके घर वाले एग्री है इस रिश्ते से। बाकी मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर नहीं कर रहे, इसके घर वाले ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं। वो मारने की जान से धमकी दे रहे हैं, तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे। जो मेरी धर्म की सिस्टर बन रखी है, उनके घर पे जाके उनको डरा रहे, धमका रहे कि तुमको जान से मार देंगे, और जहाँ भी मेरी बहन है उनको लाओ। ऐसे ये भगवानगंज सांसी बस्ती के रहने वाले हैं। मैं भी भगवानगंज सांसी बस्ती के रहने वाले हूँ। राकेश भोगावत।